दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, स्वागत है भी आपका फिर से आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। अब देखो, इस महामारी को लेके हुए आपकी पढ़ाई को मुझे पता है भी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ठेस पहुँची है। आपकी तैयारी को थोड़ा सा, तैयारी पर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीरे धीरे आपको पता है कि चीज़ें पटरी पर आती हैं और जो चीज़ बिगड़ती हैं वो धीरे धीरे सही भी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन फिर बता रहा हूँ भाई, घर पे रहिए। तो दोस्तों, ये हमारी कैलेंडर की एक और क्लास आपके सामने, बाकी क्लासेस मैंने करा दी हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा, अभी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, रीज़न मैंने आपको बता दिया वो टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में, ठीक है। तो भाई आज कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे, और देखना उनको कैसे करेंगे, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो, सामान्य वर्ष में आपको पता है 365 दिन होते हैं, मैं इसको टाइप बोलूंगा 365 366 दिन पर आधारित प्रश्न। क्या? 365 दिन और 366 दिन पर आधारित प्रश्न। देखो, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यार विषम दिन क्या होते हैं आपको पता है? 7 का रिमाइंडर ही विषम दिन होता है। अब मुझे सिर्फ एक बात छोटी सी ये बताइए आप, देखो सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, यानी 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? आप बोलोगे भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, 365 को 7 से भाग लगा दीजिए, 7 × 35 कितना बचा? 1, 5, 7 × 14 कितना बचा? 1 विषम दिन। यानी किसी भी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक है। अब चलते हैं लीप वर्ष में, और भाई लीप वर्ष में देखो 66 हो जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा तो 2 होंगे, तो कर लोगे या नहीं? 365 दिन में 1 विषम दिन, 366 दिन में 2 विषम दिन, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां कितना, 1 ऑड डे, ठीक है, इसमें कितना, 2 ऑड डे। अब जरा गौर से समझना ऑड डे। देखो कोई सामान्य वर्ष है, कोई सामान्य वर्ष है, यदि अब मैं आपसे ये बोल दूं कि 1 जनवरी किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन सपोज करो कोई दे रखा है, कोई भी दिन सही, और उस साल के लास्ट का दिन क्या होगा, यानी 31 दिसंबर का क्या होगा? तो भैया इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं तराजू वाले कॉन्सेप्ट से, आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि देखो कि भैया यहां कितने विषम दिन, आप बोलोगे कितने बचे, देखना जरा, आप बोलोगे भैया 30 बचे, है ना, और यहां कितना, 31 के 31 पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी जनवरी फरवरी यहां से चले जाएंगे, ठीक है। तो जरा गौर देना इस चीज को, देखो कि फरवरी में 0, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, गौर देना भी गौर से। 30 में कितने विषम दिन होंगे? 30 में 2, 31 में कितने होंगे? 3, 3 × 2 = 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5 × 2 = 7, ठीक है भैया। अच्छा जी, 3 × 3 = 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 12 × 2 = 14, और भाई 14 विषम दिन तो मतलब 0, तो मतलब जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। आई बात समझ नहीं आई? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कोई सामान्य वर्ष है तो ये करने की जरूरत नहीं है। कोई सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा ना वही दिन 31 दिसंबर को होगा, किसी भी सामान्य वर्ष में, ठीक है। अच्छा जी,
ये चीज मैं आपको मुझवानी कराना चाहता हूं। किसी भी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है भैया। पहली बात तो ये नोट, इसको हटा रहा हूं भाई, हमें ठीक हो, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो पहली बात आपको याद, हैज लगा के याद कर लो कि सामान्य वर्ष की जहां भी बात आए, यानी पहला दिन बराबर वही अंतिम दिन। जो पहला दिन होगा सामान्य वर्ष में वही अंतिम दिन होगा। याद रखोगे? एक सवाल बनाऊं, गौर देना। देखो एक सवाल मैं बनाता हूं कि 1 जनवरी 1911 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 1911 को क्या दिन होगा? आप बताओ क्या दिन होगा। आप बोलोगे वर्ष कैसा है? सामान्य। ठीक है, आप बोलोगे भैया सामान्य वर्ष में जो पहला दिन वही अंतिम दिन, यानी सोमवार ही होगा। अब चलते हैं लीप की तरफ। तो भी देखो लीप में क्या होता है, गौर से देखना कि जनवरी में 30 दिन बचते हैं ना, तो फरवरी का एक दिन और बढ़ जाएगा, तो जो तीन, वो जो 14 हो रहे थे ना, वो 15 हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है कि जो लीप वर्ष होता है उसका प्रथम दिन जो होता है और उसका अंतिम दिन वो एक दिन ज्यादा हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। निकाल के दिखाऊं या कर लोगे? देखो कैसे। सपोज करो यहां जनवरी में 30 दिन बचे और बाकी तो यार फरवरी में एक ना बढ़ जाएगा, बस वही दिन आगे बढ़ जाएगा आप। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अच्छा जी, फिर दूसरा है लीप वर्ष में जो पहला दिन होगा अंतिम दिन की बात करें तो +1 अंतिम दिन होगा, +1 अंतिम दिन होगा। अब एक सवाल बनाऊं इसी पर कि 1 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ा दो बस, मंगलवार, बुधवार होगा। आई बात समझ में? कितना इजी है। तो बस यही चीज इस वीडियो का पूरे का निचोड़ यही है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं और लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है अंतिम दिन एक ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? अब इस पर क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूं। सिर्फ आप इतनी ही सी छोटी सी बात याद रखना, ठीक है भाई? तो चलो भाई, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 4 से 5 क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो को कर लेते हैं उन सभी को, और फिर देखो चीजें आराम से होती चली जाएंगी। पहला क्वेश्चन आप किसी में इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्या है? देखो सवाल को ऐसे ही करेंगे। देखो किसी सामान्य वर्ष का यदि पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? कोई दिक्कत? शुक्रवार ही होगा। आ गया आंसर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अब इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 जनवरी 1999 को यदि सोमवार है। 1999 एक जनवरी यानी एक सामान्य वर्ष है, हाँ, यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 1999 कौन से दिन होगा? यार पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ना, बिल्कुल भी, कसम से। क्या होगा? आप बोलोगे भैया सोमवार है तो सोमवार ही होगा। 1999 है मेरे भाई, 1999 सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए बाद के 2 अंक देख लो, 4 से कट रहे ना कट रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर तो सोमवार ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है।
अच्छा जी, 2 जनवरी 2004 को शनिवार है, बड़े टेक्निक से करेंगे क्वेश्चन। तो 30 दिसंबर को क्या दिन होगा? अच्छा जी, देखना जरा गौर से, मैं तो आपको लिख रहा हूँ, नहीं सवाल तो हो गया ये। 2 जनवरी 2004 को यदि शनिवार है तो 30 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? यार देखना जरा गौर से। अब देखो देखो, 2 जनवरी को यदि शनिवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा? आप कहोगे भैया शुक्रवार होगा। और जब 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो जरा बताना 31 दिसंबर को क्या होगा? लीप वर्ष है, आप बोलोगे 1 बढ़ा दो, शनिवार होगा। 31 दिसंबर को शनिवार होगा। और जब 31 दिसंबर को शनिवार होगा तो 30 दिसंबर को क्या होगा? आप बोलोगे शुक्रवार होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो इसका आंसर क्या बन गया? अभी इसका आंसर बन गया शुक्रवार। देखो ऐसे ही निकल के आ गया, थोड़ा सा घुमाया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, अब इसको लगाइए। यदि किसी वर्ष नया साल गुरुवार को मनाया गया, अच्छा नया साल गुरुवार को, नया साल का मेरा मतलब 1 जनवरी से है, ठीक है। 1 जनवरी को सपोज करो गुरुवार था। भैया गुरुवार का किताबों में गुरुवार बोलते हैं, हम तो अपनी भाषा में इसको बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है। जैसे शनिवार को किताबों में शनिवार बोलते हैं, हम बोलते हैं शनिचर। हर ये ना बात समझे, वो लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज चीजें लैंग्वेज समझ आती है। नहीं मेरे को सैटरडे भी बोलना आता है, ठीक है ना। इसको आ रही है ना, सैटरडे बोल सकते हैं, मंडे बोल, लेकिन यार ये सोमवार हिंदी में तो आता है पेपर। भैया हिंदी है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, समझने वाली लैंग्वेज तो हिंदी है, ठीक है भाई। चलो भाई, यदि किसी वर्ष नया साल गुरुवार को मनाया गया, गुरुवार को नया साल मन गया, अच्छा जी, गत वर्ष सोनम का जन्म 29 फरवरी को था तो इस साल का अंतिम दिन क्या होगा? बताऊं क्या होगा? गुरुवार ही होगा। कैसे? गत वर्ष सोनम का जन्मदिन, क्योंकि पिछली साल सोनम का जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया गया था, तो इसका मतलब पिछली साल जो ही ना वो लीप वर्ष थी, और अब तो सामान्य वर्ष ही चलेंगे 3-4 साल तक, है नहीं? तो मतलब ये सामान्य वर्ष होगा, और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को होता है। कुछ भी ना पेन पेन से चलाने की जरूरत, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिए आप, ठीक है। एक जनवरी 2005 को मंगलवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2005 को क्या था भाई मेरे? मंगल, मंगलवार बोलते हैं, ठीक है, मंगलवार था। 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? अच्छा याद करो जरा, इसको कितने तरीके से कराऊं मैं क्वेश्चन को। ये देखो, ये YODB है ना, YODB, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो इसको ऐसे ही करते हैं, देखो कैसे। देखो गौर से, इसको YOD से भी कर सकते हैं, तो जरा देखना। देखो यदि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है तो एक बात बताओ यार, 31 दिसंबर 2005 को क्या दिन होगा? मंगलवार ही होगा ना? होगा होगा ना? होगा मंगलवार। बस तो अब दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। अब अंतर कितना ले लिया, YOD से करा रहा हूं मैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट से, साल में विषम दिन से, अंतर कितना आया? 3, ठीक है। अच्छा जी, इस बीच में लीप कौन सा पड़ा? यही तो पड़ा, तो +1, 4। तो भैया मंगलवार के 4 दिन आगे चल दीजिए यार, मंगलवार के 4 दिन आगे चलना ना तो कोई बात ना, मंगलवार के 3 दिन पीछे चल दीजिए। मंगलवार के 3 दिन पीछे कौन सा बनता है? शनिवार, क्योंकि शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो आंसर कौन सा बन गया? शनिवार आ गया। कैसे ही कर लो भाई, आ गया अपना शनिवार, ठीक है। और इसको मुझवाने भी कर सकते थे, देखो 2005 को 31 दिसंबर का मानकर ऐसे ही करते हैं। देखो दो मंगलवार 2005 में मंगलवार, फिर कूदे 2006 में, वहां क्या आ गया 2006 में बुधवार, और 2006 में बुधवार, तो फिर कूद जाओ 2007 में,
बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है, फिर कुछ जो 2008 में शुक्रवार आ गया, जनवरी में शुक्रवार, तो 2008 की लास्ट का कौन सा दिन होगा? लीप में एक बढ़ा देते हैं, शनिवार, ठीक है। ये पांच ही क्वेश्चन पूछे गए थे भैया इस टाइप की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भी सेशन आपको पसंद आया होगा। मुझे कैसे पता लगा कि पसंद आया ना तो सेशन लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता देना भैया वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही समझो तो मुझे बता देना, मैं चेंजिंग कर दूंगा वीडियो में, ठीक है भाई। जितना भी हो सकता है उतना पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। और भी दोस्तों एक चीज़ और आपसे बात करनी है कि ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे इस चैनल का लोगो है, मैंने लोगो बनाया भाई, तो मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में मैंने लोगो कैसा बनाया, ये मैंने खुद ही बनाया भाई, ठीक है। अच्छा लगे तो बताना लोगो कैसा है, ठीक है, बोल देना कि भैया लोगो अच्छा लगा चैनल का। हमारे नीचे जो चैनल पे वो गोल गोल आता है ना, सर्च करोगे तो यही लोगो आएगा भाई, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये फैक्ट सिटी, और देखो तुम्हारे भाई का थोड़ा सा फोटो भी आ रहा बराबर में, ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा अभी, बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, ना तो चेंज करते रहेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम बना लेते हैं, इन चीज़ों को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक कैलेंडर के साथ, नए सेशन के साथ, वो देखेंगे कौन से क्वेश्चन लाऊंगा, बढ़िया वाले क्वेश्चन ही लाऊंगा आप, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए घर रहिए, हम भी घर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, नमस्कार।